बिल्डिंग, ब्रिज, कुछ भी बनाने के लिए इंसानों को टीम वर्क करना पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि गुलाब बनाने के लिए देवी देवताओं को भी टीम वर्क करना पड़ा था? ये और ऐसी और मजेदार कहानियां ये वाले एपिसोड में एंड तक देखते रहिए। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एक कहानी है ऐसे प्यार के बारे में जिसने धरती आसमान का फर्क भी पीछे छोड़ दिया। ये है ग्रीक माइथोलॉजी से अफ्रोडाइटी और अडोनिस की लव स्टोरी। अफ्रोडाइटी तो थी एक गॉडेस, वो भी गॉडेस ऑफ लव, और अडोनिस एक धरती पे रहने वाला आम आदमी। दोनों में प्यार हो गया, लेकिन फिर उनकी कहानी में एक ट्रेजिक मोड़ आया। अडोनिस जब हंटिंग पे जाता था, अफ्रोडाइटी उसे अक्सर कहती, ध्यान रखना, खूंखार जानवरों के पीछे मत जाना। लेकिन अडोनिस इगोइस्टिक था, वो सोचता था मैं एक जबरदस्त हंटर हूँ, मुझे ऐसी वार्निंग की क्या जरूरत। लेकिन यही ईगो उसे भारी पड़ा। हंटिंग के दौरान एक बार उसका सामना जंगली सुअर से हुआ। सुअर ने अडोनिस को खूब घायल किया। अफ्रोडाइटी ने अडोनिस को अपने सामने तड़पते दम तोड़ते देखा, तब वो खूब रोई। कहते हैं उस समय उसके आंसू और अडोनिस का खून मिला और एक फूल बना, वो था गुलाब। नो वंडर कि गुलाब का रोमांस के साथ गहरा रिश्ता है। वैलेंटाइंस डे आते ही प्यार करने वाले रोज की लेन देन शुरू कर देते हैं, और अगर प्यार के बारे में श्योर नहीं होना तो रोज के साथ शी लव्स मी नॉट के गेम भी खेल लेते हैं। रोमांस और रोज के इसी कनेक्शन की वजह से रॉबर्ट बर्न्स नाम के एक पोएट ने तो कह दिया, ओ माय लव इज लाइक रेड रेड रोज। वैसे रोज के लिए सबसे फेमस लाइन शेक्सपियर की है, वो वाली, व्हाट्स इन अ नेम, हाउ वुड वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर वर्ड वुड स्मेल अ स्वीट। नाम में क्या रखा है, गुलाब को कोई और भी नाम दे दो लेकिन वो वही खुशबू देगा। वैसे खुशबू से याद आया, गुलाब का अत्तर नूर जहां ने बनवाया था। सच कहूं तो मुगलों को गुलाब का बहुत शौक था। मुगल एरा की फिल्म याद कीजिए, शहंशाह दरबार में स्वैग से बैठते थे, गुलाब सूंघते सूंघते। बाबर जब उज्बेकिस्तान से भारत आया तो अपने वतन को बहुत मिस करता था, तो अपने वतन की याद में वतन से उसने कुछ खास चीजें मंगवाई, जैसे कि कलिंगड़ और वहाँ के खास गुलाब जो उस टाइम भारत में नहीं होते थे। उसे गुलाब या जिसे पर्शियन में गुल कहते हैं, वो इतने पसंद थे कि उसने अपनी चारों बेटियों का नाम गुल से रखा, गुल चिरा, गुल रुख, गुल बदन और गुल रंग। जवाहरलाल नेहरू ने तो गुलाब को अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाया था, वो अपने कोट पे अपनी पत्नी की याद में गुलाब रखते थे। वैसे गुलाब सिर्फ अपनी खुशबू और अपनी ब्यूटी के लिए नहीं, पर अपने टेस्ट और कूलिंग इफेक्ट के लिए भी जाना जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों से बनी मिठाई तो आपने खाई ही होगी, और गुलाब की ठंडक की वजह से जब हमारी चाची रोज शरबत पीती है ना तो कहती है, आह ठंडक हो गई। वैसे इतनी ज्यादा क्वालिटीज गुलाब को कैसे मिली, इसके पीछे भी एक कहानी है। रोमन माइथोलॉजी से ये कहानी है फ्लोरा की, जो कि फूलों की देवी थी। एक बार जंगल से गुजरते फ्लोरा एक बेजान अप्सरा को देखती है। सेंसिटिव फ्लोरा इससे बहुत दुखी हो जाती है, पर बाद में उस अप्सरा की याद को हमेशा जिंदा करने के लिए फ्लोरा वहां एक फूल बनाती है। अब कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए तो टीम वर्क करना ही पड़ेगा, तो फ्लोरा यही फूल को स्पेशल बनाने के लिए सारे देवी देवताओं को बुलाती है, जो इस फूल में रंग रूप रस सुगंध भरते हैं। अफ्रोडाइटी जब इस फूल को देखती है तो वो कहती है, इस फूल का नाम तो खास होना चाहिए, और फिर उसे नाम वो देती है रोज। ये नाम वो अपने बेटे के नाम से देती है, उसका बेटा यानी कि इरोस, जिसे हम क्यूपिड के नाम से भी जानते हैं। अब इरोस को ही उलट पुलट कर लो तो हो गया ना रोज। सच कहूँ तो रोज को लेके सारे रिलीजन सारे कल्चर्स में कहानियां हैं, पर सब कहने बैठे तो हमें तो रोज रोज वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो आखिरी कहानी इंडियन माइथोलॉजी से, ब्रह्मा और विष्णु की कहानी। अब एक बार ब्रह्मा और विष्णु डिस्कस करने बैठे कि भाई उनको कौन सा फ्लावर ज्यादा पसंद है। ब्रह्मा कहते हैं कमल, विष्णु कहते हैं गुलाब। अब तब तक ब्रह्मा ने गुलाब कभी देखा ही नहीं था, तो बाद में जब विष्णु उन्हें बताते हैं तो वो विष्णु की चॉइस को मान जाते हैं। देवी लक्ष्मी के बारे में कुछ पुराणों में ये कहानी है कि वो समुद्र मंथन के वक्त निकली थी, लेकिन कहीं ये भी कहानी है कि विष्णु ने लक्ष्मी को बनाया, वो भी 108 बड़े और 1008 छोटे गुलाब की पंखुड़ियों से। वैसे हमारी ओर से वर्चुअल गुलाब आपको भी बहुत से थैंक यू के साथ, हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए इतने बढ़िया सजेशंस जो दिए आपने, और भी दीजिए प्लीज। और ये प्रॉमिस है हमारा कि ये सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आपके ही सजेशंस से बनने वाला है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और गिफ्ट हैम्पर आपके लिए पक्का है। जाते जाते एक फिलॉसफी भी झाड़ ही देते हैं। कहते हैं जीवन में गुलाब के साथ कांटे भी मिलते हैं, हमने इससे ये मीनिंग समझा है कि अगर कुछ बड़ा और अच्छा पाना हो तो साथ में थोड़ी तकलीफें भी सहनी पड़ती है।
वैसे कुछ काम आसानी से भी हो जाते हैं, जैसे ये वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। तो प्लीज कर दीजिए ना।